हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक और मल्टी कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मल्टी कलर इसलिए कह रही हूँ, आप इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जस्ट 10 फंदों का डिज़ाइन है जिन्हें आपने मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। और उसके बाद जो है, आप इसमें देखिए, मैंने 2 कलर वैसे चढ़ाए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें अलग अलग मल्टी कलर्स, जो आपके पास ऊन बच जाती है, आप उनको इसमें भी इस्तेमाल करके उन ऊनों का जो है उनको यूज़ कर सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे आप देखे होंगे ये बनाया। एक बेस कलर आपने लेना है, कोई भी बेस कलर जो थोड़ा सा ज़्यादा हो आपके पास वो लेंगे, और जो छोटे छोटे आपके पास ऊन बचे होंगे उन्हें आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ रेड लगाया है, अगली बार आप कोई और कलर लगा सकते हैं, अगली बार कोई और कलर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे मल्टी कलर भी बना सकते हैं, डबल कलर भी और मल्टी कलर भी। जस्ट 10 फंदों का, 10 स्टिचेस का डिज़ाइन है जिसे हम करते हुए जा रहे हैं। और आप ये देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, जस्ट 8 सिलाइयों का जो है डिज़ाइन है। 8, 12, 8 ये और 2 ये, 12 सिलाइयों का डिज़ाइन है जो आपने रिपीट करते हुए जाना है। किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी है। चलिए देखिए, अब मैंने उस हिसाब से फंदे डाले हुए हैं। चलिए देखिए किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अब ये मैंने उस हिसाब से फंदे डाले हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन बता पाऊँ। पहली लाइन हमने सीधी, लाइन तो हमेशा सीधी ही जाएगी, देखिए इस तरीके से ये लाइन पूरी आपने सीधी करनी है। अब ये देखिए, ये लाइन हमने पूरी सीधी की है, पलट लीजिएगा। अब उल्टी लाइन में देखिएगा क्या करना है। पहले 5 फंदे उल्टे बनाऊंगी, ये उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 5 फंदे उल्टे बनाए, धागा आगे किया, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ किया, 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में 5 फंदे रखने हैं, बाकी जो ये मैंने 3 फंदे और 7 फंदे बताए, ये 10 फंदे, यही हमें मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो हम अपनी डिज़ाइन का रिपीटेशन करेंगे वो हम ये 3 सीधों से करेंगे। अब 3 सीधे और 7 उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब 3 फंदे सीधे, अब लास्ट के हम 5 फंदे जो है उल्टे बनाएंगे। देखिए लास्ट के 5 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, पलट लीजिए। सीधी लाइन हमारी हमेशा सीधी लाएंगी। अब हमें यही चीज़, यही 2 लाइंस हमें 4 बार और रिपीट करनी है। 2 बार हमने कर ली, अब यही 2 लाइंस हम 4 बार रिपीट करेंगे, यानी कि 6 लाइंस हमें इसी तरीके से बनानी है। एक लाइन पूरी सीधी, सीधी लाइन पूरी सीधी जाएगी, देखिए सीधी लाइन पूरी हो गई। अगेन वही उल्टी लाइन वैसे ही दोहराएंगे, पहले 5 फंदे हम उल्टे करेंगे, तीन फंदे सीधे करेंगे, अगेन धागा आगे करके 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 हे और ये 7। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे, अब 7 फंदे फिर उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6
और ये सात, अगेन तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, और ये पांच फंदे उल्टे। पलट लीजिए, अगेन एक दो लाइंस ऐसे ही करनी है, सीधी लाइन सीधी और उल्टी लाइन में यही हमें दोहराना है। तो चलिए पहले सीधी लाइन पूरी सीधी कर लेंगे हम। देखिए अगेन उल्टी लाइन वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे हैं, एग्जैक्टली वैसे ही, पांच फंदे उल्टे। तीन फंदे सीधे, अगेन सात फंदे उल्टे। तीन फंदे उल्टे सीधे, सात फंदे उल्टे, सात, तीन फंदे सीधे, लास्ट के पांच फंदे उल्टे। अब देखिए ये हमारी हो गई छह लाइंस इस तरीके से। अब सातवीं लाइन जो है पूरी सीधी जाएगी, उल्टी लाइन में हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है, देखिएगा किस तरीके से डिजाइन का। अब ये लाइन पहले पूरी सीधी करेंगे हम। ये देखिए लाइन सीधी होगी। अब आठवीं लाइन पे देखिएगा क्या करना है हमने। पहले तो हम चार फंदे इस तरीके से बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब जो ये पांचवा फंदा है, जो हम पांच फंदे उल्टे बना रहे थे उसमें से जो पांचवा फंदा है, इसे आपने डबल धागा इस तरीके से करना है और निकालना है। तीन फंदे सीधे, अगेन धागा अपनी तरफ कीजिएगा। अब जो सात फंदे उल्टे हैं उसमें से पहला फंदा इस तरीके से करेंगे और धागा दो बार लपेटेंगे, यानी कि धागा लपेटना है और ऐसे निकालना है। फिर पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच। अब ये वाले फंदे पे, सातवें फंदे पे भी हमें इसी तरीके से ऐसे धागा लपेटना है और तीन फंदे सीधे। फिर इस फंदे पे भी धागा लपेटना है, सातवें के पहले फंदे पे, एक दो ऐसे और निकालिए। अब पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच। इस वाले सातवें फंदे पे भी हमें धागा ऐसे लपेटना है। फिर तीन फंदे सीधे, अगेन धागा आगे करके इस पे भी हमें धागा लपेटना है ऐसे। यानी कि जो हमने सीधे बनाए थे उनके तीन जो सीधे थे उनके दोनों तरफ हमें धागा लपेटना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये अब हम आ गए, देखिए आठवीं लाइन पूरी हो गई। अब हमें कलर चेंज करना है, ये देखेंगे आप। अब हमें इसमें कलर लगाना है, ये हमने आठ लाइंस इस तरीके से की है, अब हम इसमें कलर लगाते हैं। देखिए दूसरा कलर मैं ऐसे ले रही हूं। अब ये बनाया आपने, फिर इस तरीके से। अब जो आपने ये वाला धागा लपेटा था, जिस पे आपने धागा लपेटा है उसे आपने खोल देना है, लेकिन उसे हमने बुनना नहीं है, ऐसे ही रखना है। बाकी फंदे हमने सीधे बुनने हैं, जितनों पे भी हमने धागा लपेटा था वो हम बुनेंगे नहीं। इस तरीके से किया आपने, पूरी लाइन सीधी जाएगी। अब देखिए
देखिए ये धागा लपेटा है, इसे खोल देंगे ऐसे, पर बुनेंगे नहीं। अगेन बाकी फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये देखिए इस पे लपेटा है, इसे खोल दीजिए, बुनना नहीं है। ये देखिए अगेन इस पे ये खोल दिया, ये खोल दीजिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे हमने सीधी लाइन करनी है। आप उल्टी लाइन में ये सारे हमने जितने भी आपको ऑरेंज दिख रहे हैं वो हमने सारे सीधे बनाने हैं, और इन्हें हमें बनाना नहीं है, जस्ट उतारना है, लेकिन बाकी हमें सीधे बनाने हैं। देखिएगा किस तरीके से ये आपने उतारा, ये सीधा बनाया, इस तरीके से सीधा बनाना है। आप धागा अपनी तरफ करेंगे और इसे उतारेंगे, फिर धागा वापस करके सीधा बनाएंगे, अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे उतारेंगे, धागा वापस सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ इसे उतारेंगे, धागा वापस सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ इसे उतारेंगे, धागा वापस सीधा बनाएंगे, फिर अगेन ये उतारा, वापस किया, ये सीधे बनाए, इसे उतारा, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है आपने। पलट लीजिए इस तरीके से, देखिएगा। अब यही दो लाइंस हमें दोबारा दोहरानी है, यानी कि ये पूरी लाइन सीधी जाएगी और व्हाइट जो है वो हम बनाएंगे नहीं, उन्हें हम एज इट इज उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, और उल्टे भी ऐसे सीधा बनाएंगे, व्हाइट नहीं बनाएंगे हम। ये दो लाइंस हमने और इसी तरीके से करनी है। ये देखिएगा ये उतारा आपने, ये बनाया, इसे उतार देंगे, इसे हम बनाएंगे नहीं, बाकी सबको हम सीधा बनाएंगे। अगेन उल्टी लाइन वैसे ही पूरी सीधी बनानी है, बट व्हाइट वाले नहीं बनाने हैं। धागा आगे करके व्हाइट उतारिएगा, धागा वापस करके सीधे बनाएंगे, अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, व्हाइट उतारेंगे, धागा वापस सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ ऐसे उतारा, धागा वापस सीधा बनाया, ये देखिए अब पलट लीजिए, इस तरीके से आएगा आपका, देखिएगा आप यहाँ देख रहे होंगे। अब हम इसके बाद इसे क्रॉस करेंगे, अब हम व्हाइट कलर फिर से लेंगे, जो आपका बेस कलर होगा इसे यहीं रहने देंगे। अगेन हम बेस कलर इस तरीके से लेंगे, अब देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये आपने बनाया, अब ये वाला फंदा हम उतारेंगे और ये तीन हम इस पे लेंगे, एक दो तीन, ध्यान से देखिएगा, और इस व्हाइट को भी उतारेंगे। अब ये तीन हम वापस लेंगे, एक दो तीन, अब ये वाला जो व्हाइट है जो हमने उतारा इसे पहले लेंगे ऐसे, इसे बनाएंगे सीधा, फिर ये तीन बनाएंगे, एक दो तीन, ये वाला लेंगे जो उतरा हुआ दिख रहा है आपको इस तरीके से, और इसे बनाएंगे।
देखिए क्रॉस हो गया ना। अगेन बाकी फंदे सीधे। अब इसे उतार दीजिए ऐसे, ये तीन लीजिएगा यहाँ पे, इसे भी उतार दीजिए, फिर तीन वापस लीजिए। अब ये वाला जो है आप ये देखेंगे इस तरीके से है, ये वाला जो है ये हमें पहले बनाना है, तो इसे लेंगे और बनाएंगे, फिर तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब जो ये उतरा हुआ फंदा है इसे भी लेंगे और बनाएंगे, ये देखिए बाकी फंदे सीधे। सारा आपने इसी तरीके से करना है, ये उतारा इसे लिया, अगेन ये उतारा ये वापस लिए, पूरी लाइन ऐसे ही करनी है। अब ये वाला पहले लिया और इसे बनाया, फिर तीन फंदे बनाए, फिर इसे लिया और बनाया, बाकी फंदे सीधे। अगेन उल्टी लाइन वैसे ही करनी है जैसे हम अभी तक करते आए हैं, पांच फंदे उल्टे, दो तीन चार पांच, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, सात फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, धागा वापस, तीन उल्टे सॉरी तीन सीधे, धागा अपनी तरफ, सात उल्टे, धागा वापस, तीन सीधे, धागा अपनी तरफ, पांच लास्ट के उल्टे। तो देखिए ये आपका डिज़ाइन इस तरीके से जो है बन रहा है। अब यहाँ पे बस मैं यही चीज़ बताऊंगी, हम अब हमने वही करना है जो हमने पहली लाइन से किया था, उसी को रिपीट आपने करना है। बट आप उसको रिपीट करने के बाद जो हमने ये चार लाइंस दूसरे कलर की बनाई हैं, अब आप ऑरेंज की जगह कोई और कलर लीजिएगा, उसके बाद दूसरी जगह कोई और कलर लीजिएगा, जितने भी आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, और उनसे आप मल्टीपल मल्टी कलर का स्वेटर बहुत सुंदर सा प्यारा सा बच्चे के लिए बन जाएगा। तो देखिए दोबारा वैसे ही फर्स्ट लाइन से जैसे किया था वही किया है, आप देखेंगे एक दो तीन चार इस तरीके से आए हैं। अब मैं दूसरा कलर लेकर आपको ये बताना चाहूँगी कि दूसरा कलर मल्टी कलर्स आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। देखिएगा मैं रेड कलर ले रही हूँ, पहले मैंने ऑरेंज कलर लिया था, अब मैं इसे रेड ले रही हूँ, बनाऊंगी सेम तरीका सेम है, जस्ट कलर चेंज कर रही हूँ। ऐसे लिया आपने रेड कलर, पहले हमने ऑरेंज लिया, सेम बनाया वैसे ही, और जो हमने डबल राउंड किया है उसे हम बुनेंगे नहीं, ऐसे उतारेंगे, बाकी हम सारे फंदे जो है सीधा बनाएंगे इस तरीके से, जो डबल राउंड है उसे उतारना है बाकी सीधे। देखिए इस तरीके से, ये पहले एक कलर था, अब दूसरा कलर करिए, इसी तरीके से आप मल्टी कलर भी इसको बना सकते हैं। कोई बहुत ही मुझे लगता है बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि जब हम बच्चों के लिए बनाते हैं मल्टी कलर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। करना कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है, बस आपने इसके कलर्स चेंज करने हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से पूरा किया है। तो ऐसे मैं आपको यहाँ पे मल्टी कलर बताने जा रही थी कि किस तरीके से आप मल्टी कलर भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो देखिए बहुत ही सुंदर लगता है, चाहे तो इसका आप
चादर बना दीजिए, चाहे तो आप कुशन कवर्स बनाइए, चाहे तो शॉल बनाइए, देखिए बहुत सुंदर लगेगा। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप ये गैप कम रखना चाहते हैं तो कम रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर आपको 6 लाइंस बोली है या 8 लाइंस बोली है तो आप उतनी ही बना रहे हैं। अगर आपको लगेगा कि छोटा गैप रखना है तो आप जस्ट 4 लाइंस बनाइए एंड देन कलर इस तरीके से कीजिएगा, फिर 4 लाइंस बनाइए, फिर इस तरीके से चेंज कीजिएगा। तो देखिए ऐसे बनेगा आपका, बहुत ही सुंदर है और बहुत ईजी है। थैंक यू।